अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस समय सही चैनल पर हैं। हमारे चैनल की खास बातें, हर वीडियो में होमवर्क देकर अगले वीडियो में टॉप स्टूडेंट्स के नाम फोटो सहित दिखाना, फार्मूला को याद करने की बेस्ट ट्रिक देना जिनसे आप कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व कर पाएं, हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स फ्री में उपलब्ध कराना, आपके हर कमेंट का जवाब देना और बहुत कुछ जब आप हमारे वीडियोज रोज देखेंगे। नो टाइम पास, ओनली क्लास। वेलकम टू एके त्रिपाठी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की विविध प्रश्नावली को देखेंगे। इससे पहले के प्रश्नावली की वीडियोज मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आपने आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना बढ़ाए अच्छी तरीके से देख कर समझ लिया तो ये विविध प्रश्नावली आपको एग्जाम तक याद रहने वाली है। ना सिर्फ विविध प्रश्नावली, इससे मिलते जुलते सवाल भी आप चुटकियों में लगा सकेंगे। इसलिए वीडियो में बिना बढ़ाए वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x / 1+x सिद्ध करना है इस सवाल को। ये हमारा 9वां नंबर है। 8 नंबर तक के सवाल मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैंने आपको फार्मूले के ऊपर भी वीडियो बना दिया है। इस सवाल में फार्मूला लगेगा 2 tan inverse x बराबर cos इनवर्स 1 - x² / 1+x². अब देखिए LHS हमारा क्या है। LHS लिखा हुआ tan inverse under root x। अब देखिए इस tan inverse under root x में अगर हम लोग 1/2 गुणे 2 tan inverse under root x कर देते हैं तो इस सवाल में कोई भी बदलाव नहीं होता, यानी 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा 2 tan inverse x का फार्मूला बन चुका है, 1/2 गुणे। अब देखिए यहाँ पर 2 tan inverse x है और यहाँ पर root x है, इसका मतलब यहाँ पर जो x लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग रूट एक्स रखेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। क्या है यहाँ पर? कॉस इनवर्स 1 - x² और यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है? अंडर रूट एक्स अपॉन 1 + x² एक्स क्या है? अंडर रूट एक्स। यानी और सॉल्व करने पर 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 1 - x / 1+x। आप लोग समझ रहे होंगे जब यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमें अंडर रूट हट जाएगा और उत्तर में x प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो चुका है। अब हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखने से पहले मैंने जो कल आपको होमवर्क में सवाल दिया था उसके उत्तर और उसके टॉपर्स के नाम देख लेते हैं। कल मैंने आपको सवाल दिया था 2 tan inverse 1/5 + tan inverse 1/8 = tan inverse 4/7, यानी LHS बराबर RHS प्रूव करना था। इसके आंसर्स को हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई स्टूडेंट्स ने भेजे, जिनमें से टॉप स्टूडेंट्स के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले टॉपर हैं राकेश, दूसरे नंबर में हैं सनी कुमार, तीसरे में हैं दीपक यादव और चौथे में हैं कदम सिंह। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं अभी आगे की वीडियो में आज की वीडियो का होमवर्क देने वाला हूँ। जो भी उस होमवर्क का सही आंसर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है उसका नाम और फोटो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगर आप करते हैं तो आपका नाम और फोटो भी अगले वीडियो में हो सकता है। 10वां नंबर सवाल है कॉट इनवर्स कोस्टा के अंडर √1 sin x + √1 - sin x / √1 sin x - √1 sin x कोष्ठक बंद बराबर x/2। यहाँ पर हमें इस सवाल में LHS बराबर RHS प्रूव करना है। सवाल को लगाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताना चाहूँगा।
दोस्तों इससे पहले कक्षाओं में हम लोग पढ़ रखे हैं कि जब जब कभी भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमें दिखाई दे तो वहाँ पर एक आ जाता है। तो एक्स की जगह एक्स बाई टू हो चाहे या कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर हमेशा एक ही आएगा। अगला फार्मूला है साइन टू एक्स, आपने पढ़ रखा होगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। जब यहाँ से यहाँ जो दो लगा था जब ये उस साइड जाएगा तो दोनों में दो दो हो जाएगा। इस तरह फार्मूला बनेगा साइन एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू। सवाल में जाने से पहले मैं आपको रफ में कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर सवाल में हमारे अलग अलग पार्ट में वन प्लस साइन एक्स अंडर रूट में और वन प्लस वन माइनस साइन एक्स अंडर रूट में दिया हुआ है। देखिए हम लोग अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स को और किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एक को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और साइन एक्स तो हम लोगों ने पढ़ा है टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यानी प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, यानी हमें फिर से यही मिल जाएगा, है ना। यानी सवाल वही है लेकिन उसका हमने रूप बदल दिया है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का रूप बन गया है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। इसी तरह अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स में हमें प्राप्त होगा, जब हम लोग इसको कुछ ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। रब ने सॉल्व करके मैंने इस सवाल को आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है, आप भी इसको पीछे रब में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे के सवाल में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर है और यहाँ पर अंडर रूट है, यानी अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, चारों में आगे आएगा कॉट इनवर्स आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि अंश में साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू कट जाएगा और हर में कॉस एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू जुड़ जाएंगे। अब आगे कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन नीचे साइन एक्स बाई टू जुड़ जाएगा तो आ जाएगा टू साइन एक्स बाई टू। आप लोग देख सकते हैं दो से दो कट जाएगा कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू हमारा होता है कॉट एक्स बाई टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं बाहर कॉट इनवर्स है कॉट इनवर्स, अंदर कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा और आंसर में हमें एक्स बाई टू मिल जाएगा जो कि आर एच एस के बराबर है, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो को बना रहा हूँ तो क्या आप मेरे लिए इस वीडियो को अपने तीन दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते। अगला सवाल है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स।
इस सवाल को हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है। इस तरह के सवालों में मैं आपको बता चुका हूँ, ये सवाल प्रतिस्थापन द्वारा लगाया जाता है, यानी हमें x बराबर कुछ मानना पड़ता है। जैसे इस सवाल में माना x बराबर cos 2 थीटा। अब देखिए, दो इस साइड आ जाएगा और cos भी जब इस साइड आ जाएगा तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x मिलेगा। अब cos 2 थीटा का मान हम लोग सवाल में प्रतिस्थापित करते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x की जगह cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अंडर रूट 1 प्लस x की जगह cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब आप लोगों ने फार्मूले पढ़े होंगे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब और दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों फार्मूला का योग जगह और सवाल के हिसाब से किया जाता है। जैसे यहाँ में से किसी में ये फार्मूला यूज होगा तो किसी में ये वाला फार्मूला यूज होगा। और हमें इस फार्मूला को यूज करते समय याद रखना है, ज़्यादातर ये फार्मूला एक से एक को काटने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है प्लस cos 2 थीटा है, तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले को रखेंगे जिससे यहाँ माइनस एक है, यहाँ प्लस एक है, एक से एक कट जाएगा और अंदर cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। फार्मूले को रख कर आप अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin थीटा प्राप्त करेंगे। मैंने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर दिया है जिससे आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग जब स्वयं से लगाए तो आपको सवाल आसानी से आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग अंडर रूट 2 अंडर रूट कॉमन कर लेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा मिल जाएगा। नीचे भी अंडर रूट कॉमन कर लेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा मिल जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अंडर रूट कहाँ चला गया, अंडर रूट 2 और नीचे भी अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा और हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर अंश और हर दोनों में ही cos थीटा का भाग देंगे कुछ इस तरह से। अब देखिए, जब इसमें cos थीटा का भाग देंगे तो ये एक आ जाएगा, माइनस sin थीटा बटे cos थीटा होगा तो tan थीटा, और हर में इसी तरह cos थीटा का भाग देंगे तो एक प्लस sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि tan 45 माइनस थीटा का फार्मूला है, tan 45 माइनस थीटा को हम लोग tan पाई बाई 4 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा और अंदर पाई बाई 4 माइनस थीटा आ जाएगा। और हम लोगों ने शुरुआती सवाल में थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x माना था। इस तरह से हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो जाएगा। दोस्तों, आपने YouTube में कॉमेडी, नाच गाना और ना जाने कितने कितने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो क्या आप एक चैनल को अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकते? सोचिए मत, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए जिससे आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला सवाल है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2 बाई 3। इस सवाल को हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने LHS लिख लिया, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए, इस सवाल में हम लोग 9/4 कॉमन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम लोग एक एक स्टेप सॉल्व करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा सवाल आसान होता चला जाता है। अब 9/4 कॉमन कर लिए हैं तो पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 9/4 यहाँ हो चुका है तो अंदर साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, 9/4 और यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1/3। वैसे तो
इस सवाल का आंसर ये भी है, लेकिन इस सवाल में हमें एल एस बराबर आर एच एस प्रूव करना था और ये आर एच एस के बराबर नहीं है, इसलिए अभी हमें सवाल को और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको मान चेंज करना बताया है, जैसे अगर कॉस इनवर्स एक बार तीन लिखा है तो हम इसे टेन में कैसे बदलेंगे, साइन इनवर्स में कैसे बदलेंगे, सेक इनवर्स एक्स में कैसे बदलेंगे। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, आप लोग इसे रफ में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे कई बार बताया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3 को जब साइन के पद में निकालेंगे तो साइन इनवर्स 2√2/3 जो कि आर एच एस के बराबर है। अगला सवाल है 2 tan inverse cos x = tan inverse 2 cos x। यहाँ पर हमें इस सवाल में एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव करना है। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देना चाहता हूँ, 2 tan inverse x = tan inverse 2x / 1 - x². अब देखिए यहाँ पर हम लोग cos x को पूरे cos x को हम लोग x मान लेंगे तब ये हमारा 2 tan inverse x का फार्मूला बन जाएगा। सवाल को सरल करने पर tan inverse 2 cos x / 1 - cos² x = tan inverse, वहाँ पर 2 cos x था, cos x तो जब sin x बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan inverse से tan inverse हमारा कट जाएगा और 2 से 2 भी हमारा कट जाएगा। तो आगे सवाल में cos x / 1 1 - cos² x हमारा आ जाएगा sin² x बराबर 1/sin x। अब देखिए ये एक साइन एक इस साइन को काट देगा और हमारा हल करने पर इसे tan x = 1 आ जाएगा। इसे और ज़्यादा हल करने पर जब x इधर रहेगा tan को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो x = tan inverse 1 आ जाएगा। ये कमान हम लोग जानते हैं tan π/4 होता है, tan में से tan कट जाएगा और आंसर में हमें π/4 मिल जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी नज़र आ रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को इसी समय लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहेंगे इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारा अगला सवाल है यानी 14 नंबर सवाल है tan inverse 1 - x / 1 + x = 1/2 tan inverse x। इस सवाल को हल करके हमें x का मान प्राप्त करना है। देखिए इस सवाल को भी हम लोग प्रतिस्थापन से लगाएंगे, माना x = tan θ। अब आप लोग इससे सवाल लगा चुके हैं, θ = tan inverse x हो जाएगा। अब देखिए x = tan θ हम लोग सवाल में प्रतिस्थापित करते हैं तब 1 - x की जगह tan θ, 1 - tan θ / 1 + tan θ बराबर 1/2 tan inverse x, tan inverse x की जगह tan θ। अब देखिए 1 - tan θ / 1 + tan θ tan π/4 - θ का फार्मूला है ना, और जहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो हमें केवल θ मिल जाएगा, और जहाँ पर tan π/4 - θ आएगा tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो π/4 - θ यहाँ मिल जाएगा बराबर 1/2 θ। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें θ = π/6 मिल जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने सवाल के शुरुआत में माना था x = tan θ, जब θ में π/6 मिल गया है तो x = tan θ में θ = π/6 रख देंगे। x = tan π/6 हमारा कितना होता है 1/√3। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पाई का मान हम लोग 180° मानते हैं, जब 180° / 6 करेंगे तो tan 30° आ जाएगा, और आपको पता है कि tan 30° का मान 1/√3 होता है। दोस्तों आज से चैप्टर
टू यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स फ्री में चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम लोग देख लेते हैं अपने आज के वीडियो का होमवर्क। जो भी उस वीडियो का सही आंसर हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर मैसेज करेगा उसका नाम और फोटो हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैं अगला वीडियो इस पर बना दूंगा कि आपको पीडीएफ फ्री में कहां से और कैसे मिल सकती है। आज की वीडियो का होमवर्क है हमारा टैन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। आज की इस होमवर्क का मैं हिंट भी आपको नहीं देने वाला हूं क्योंकि ये सवाल बेहद ही आसान है और इस चैप्टर के शुरुआती प्रश्नवली 2.1 से है। अगर आपने प्रश्नवली 2.1 के हमारे चैनल के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बन गई है, आप प्लेलिस्ट से जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं। आप सभी से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, आप समझ सकते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल की विशेषताएँ बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आज या कल के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए है, आपको आपके परीक्षा रिजल्ट तक आने में आपकी मदद करेगा। इसलिए बिना सोचे समझे तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।